तो गाइस ये मेरी बाइक का टायर था, इसके आप हालात देखो, इस टाइम भी क्या हालात रखे हैं एकदम। ये लाइन नज़र आ रही है, ऐसी लंबी लंबी लाइन इसके अंदर आ चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबके सब अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए एकदम। तो आज एकदम मैं सुबह सुबह उठ के रेडी हूँ, हमेशा की तरह नहीं, मतलब मैं इतनी जल्दी उठ के रेडी नहीं होता, वो भी आज इसलिए रेडी हूँ क्योंकि आज मुझे अपनी बाइक के टायर चेंज कराने हैं। जैसे कि मैं पल्सर RS 200 ऑन करता हूँ तो बाइक के दोनों दोनों टायर्स खत्म हो चुके हैं एकदम एकदम, टायर दोनों के दोनों डेड है, तो मुझे उनको चेंज करवाना है। तो आज उनको मैं चेंज करवाऊंगा, साथ में आपको भी मैं दिखाऊंगा कि कौन से टायर्स मुझे उसके अंदर लगवाने हैं। टायर्स तो मुझे चेंज कराने हैं, बट टायर चेंज कराने से पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि भाई टायर कौन से डलवाने हैं। तो मैं काफ़ी परेशान था टायर डलवाने को लेके कि कौन से डलवाऊँ। 4-5 दिन से R&D कर रहा था बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट मैंने फिर वही सोचा कि जो मेरा पहले से टायर इंस्टॉल है मैं वही टायर इंस्टॉल करवाऊंगा। MRF का टायर था, मैं आपको टायर पूरा दिखा दूंगा कौन सा टायर मैंने लगवा रखा था। बट मुझे उस टायर की खासियत थी, टायर एक ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छा टायर था, बट जब वो टायर पुराना हो गया, लाइक जब एकदम टायर डेड हो चुका है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो भी परेशानी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो कैसी परेशानी कर रहा है, मतलब उसका कुछ एडवांटेज भी है तो साथ में डिसएडवांटेज भी है, दोनों की दोनों चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप लोग बने रहना, चलते हैं पहले टायर चेंज करवाने के लिए। दोनों टायर चेंज कराने हैं, फ्रंट और रियर वाला, दोनों दोनों टायर एकदम गंजे सपाट हो चुके हैं एकदम से। तो चलिए पहले चल के उनको चेंज कराते हैं। मुझे पहले से सब्सक्राइब करा हुआ है वो लोग, वीडियो पे बने रहना और देखना भाई तुम्हारे काम की एक चीज़ नज़र आने वाली है वीडियो के अंदर। तो जो लोग नए हैं वो भी कुछ ना कुछ जान जाएंगे उसके बारे में, तो जल्दी से आप लोग साथ में सब्सक्राइब भी कर लो एंड मैं एकदम रेडी होकर निकलता हूँ। और अगर मैं बाइक के अंदर टायर ही अपग्रेड कर रहा हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपग्रेड करी हैं, तो आप लोग ही को समझ जाओ कि कुछ आगे धमाका होने वाला है। धमाका इन द सेंस कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ मैं, बड़ा नहीं, इतना बड़ा भी नहीं, बट प्लान हो रहा है अभी, आगे बड़ा भी प्लान करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चलते हैं बाइक के ऊपर, साथ में आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे टायर्स की भी क्या कंडीशन हो रखी है। दोनों टायर्स की कंडीशन आपको मैं दिखा दूंगा और जैसे जैसे इंस्टॉल होंगे वो भी मैं दिखा दूंगा। चलो चलते हैं सीधा शॉप पे। तो गाइज ये मेरी बाइक का टायर था, इसके आप हालात देखो, इस टाइम भी क्या हालात रखे हैं एकदम। ये लाइन नज़र आ रही है, ऐसी लंबी लंबी लाइन इसके अंदर आ चुकी है। तो फिलहाल अभी जो मैं टायर यूज़ कर रहा था ये MRF का मोग्रिप मैटियन यूज़ कर रहा था, और इसका जो साइज़ था 140x70 का साइज़ था, जो कि 70 इंची का टायर होता है, पूरा 70 इंची होता है ना। तो इसे देख लो बावले को, इसे जानते हो तुम? तो भाई जो लोग ABS वाले इसको ढूंढ रहे थे, तो भाई वापस आ चुका है काम करने के लिए। तो भाई ABS का काम कर दिया भाई, लोंडे परेशान कर रखे तूने। नहीं भाई हो जाएगा। तो ये टायर अभी इसको अपग्रेड करेंगे, तो कोशिश करूँगा दोबारा यही मतलब टायर में लगवाऊँ, क्योंकि मैं इस टायर से बड़ा सेटिस्फाई था और मतलब अच्छी खासी मुझे ग्रिप दे रहा था। बट इसका बुढ़ापा बेकार था टायर का, काफ़ी सारे इसमें पंचर लग चुके हैं, बट अभी तक ये टायर मेरा सही काम कर रहा है। तो अभी इसको मैं चेंज करवाऊँगा और फ्रंट वाला भी चेंज करवाऊँगा, और आपको मैं दिखाऊँगा कौन सा लगने वाला टायर इसमें। यहाँ से तो मेरा टायर एकदम ठीक है और यहाँ से टायर मेरा सारा घिस चुका है और बीच में तो वैसे ही सपाट हो रखा है। एंड इसका घिसने का रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरा एक साइड का स्विंग आर्म बैंड हो चुका था। स्विंग आर्म बैंड होने की वजह से तो ये टेढ़ा चल रहा था टायर मेरा, तो ये इसका रीज़न था। तो फिलहाल इसको भी मैं चेंज कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कौन सा टायर मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। अगले टायर की बारी है, अगला टायर भी हम चेंज कराने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा था C8 का जूम प्लस यूज़ कर रहा था, जो इसका साइज़ था 100x80 का इसका साइज़ था ये लिखा हुआ। तो अभी फ़िलहाल इसको भी चेंज कराते हैं, इसको निकालते हैं बाहर। तो ये भी टायर ख़त्म है, तो मैं दोनों के दोनों ही टायर अपग्रेड कर रहा हूँ इसके ना। तो गाइस हम आ चुके हैं टायर के स्टोर पे, आपको सब तरफ टायर टायर नज़र आ रहे होंगे, नीचे देखो जरा, हर जगह टायर ही टायर है, स्कूटर के, स्कूटरी के, बाइक के। तो जैसा कि हमारी बाइक के अंदर ये टायर आते हैं, मतलब जो हमारी सेगमेंट्स की बाइक है, तो ये सारे के सारे टायर इसके अंदर आ जाते हैं। बट ये सब के सब 130-70 का साइज़ है इनका, बट मुझे 140 साइज़ चाहिए था, तो 140 साइज मैंने निकाल दिया है। अब इसमें मुझे डिसाइड करना है, पहले मेरा ये वाला टायर लगा हुआ था जो कि आपको मैंने दिखाया था, अभी देखो कितनी बुरी इसकी कंडीशन हो रखी है। तो ये वाला टायर अभी मैं इसके अंदर लगवाने वाला हूँ। एक ये भी टायर था, ये मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे ये वाली ग्रिप ज़्यादा अच्छी लगती है और ये ऑफ रोड के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसलिए ये वाला मैं टायर लगवा रहा हूँ। और इसका जो मेक है मैं आपको मेक दिखा देता हूँ, सेम वही टायर जो मैंने पहले लगवाया था, MRF का ये लिखा हुआ MRF, और ये लिखा हुआ मोग्रिप, और ये मैटियर M, सेम वही टायर मैं दोबारा से इसके अंदर लगवाने वाला हूँ। तो ये भी टायर का सेम साइज है, 130x70 है, इसके ऊपर लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी 140x70, ये भी सेम है, दोनों के दोनों सेम जैसा कि मैंने बताया। बट मुझे ये वाला टायर पसंद आया, मैं ये वाला टायर लगवाने वाला हूँ। अब आते हैं फ्रंट टायर के ऊपर। फ्रंट टायर के अंदर ही दो ऑप्शन मैंने निकलवाए थे, एक टायर ये रहा और एक ये रहा, जो कि ये अपोलो का टायर है और इसका जो मॉडल है इसको बोलते हैं एक्टिव जिप, बट मुझे पसंद नहीं आया, थोड़ा इसमें बीच में ऐसा कुछ था तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब ये टायर इसके अंदर लगने वाला है,
और जैसा कि आपको मैं साथ साथ बताना चाहूँगा कि एक राइड हमारी प्लान हो रही है, तो उसकी वजह से मैं सब कुछ अपग्रेड कर रहा हूँ। तो ये दोनों मैंने निकलवाए हैं, तो ये अभी बाइक के अंदर लगने वाले हैं। तो चलो उसको पहले बाइक के अंदर लगवाते हैं, देन उसके बाद दिखाते हैं बाइक की कैसी लुक आ रही है। तो जैसा कि आपको यहाँ हर जगह टायर ही टायर नजर आ रहे होंगे, बट ये स्टोर थोड़ा सा अभी कंजस्टेड है। अभी जो मेन स्टोर है वो अभी चालू होने वाला है, उसमें अभी काम चल रहा है। तो काफ़ी चीप प्राइस में मुझे यहाँ पे टायर्स मिल गए, तभी मैं यहाँ लेने के लिए आया हूँ। और इस बंदे को पहचान लो, यही मुझे लेकर आया जो हमेशा मुझे गाइड करता है। तो भाई क्या कहना चाहोगे? भाई टायर चेंज कराने के लिए आप अच्छी जगह अच्छा टायर की वो नॉलेज देंगे, बाकी गाड़ी की जो ग्रिप है वो यही बढ़िया है, यही बढ़िया फ्रंट वाली भी और रियर वाली भी। जो अपनी स्पोर्ट बाइक के लिए अगर बिली मारने के लिए, जो साइड बिली मारने के लिए अगर टायर चेंज करना है तो वो इससे नहीं दूसरे टायर से चेंज होगा। मगर ये हाँ ब्रेकिंग कंट्रोलिंग के लिए सबसे बेस्ट टायर है, हाई स्पीड पर ब्रेक कंट्रोल करने के लिए नंबर वन टायर है ये ग्रिप के टाइप। क्योंकि इसकी जो ग्रिपिंग है जो मैंने आपको दिखाई है, ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब मेंटेन करके चलती है रोड के ऊपर, ये चिपक के चलता है टायर। क्योंकि मैं इसको लास्ट 2 या 3 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है इसका क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, तो तभी मैं इसको लगवाने के लिए जा रहा हूँ। तो काफी सारे यहाँ पे टायर्स हैं, अगर आपको भी चीप प्राइस चाहिए विद बेस्ट क्वालिटी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा और एड्रेस डाल दूंगा, नोएडा का एड्रेस है, तो आप लोग विजिट कर सकते हो। टायर लगा दिया है, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। अब जहर लग रहा है लग रहा वो आप बताना, ठीक है। और फ्रंट में भी लगवा दिए, इस पर दोनों के दोनों MRF लगवा दिए मैंने, पहले आगे वाला सीट था और पिछले वाला MRF था, अब दोनों के दोनों MRF हो चुके हैं। ये टायर अपना लग चुके हैं और ये पुराना वाला टायर देखो कितना फ़र्क है, कितना ज़्यादा। ये तो एकदम अजीब सा ही लग रहा है देखने में इस टाइम पे, और ये देखो क्या लुक निकल के आ रही है बाइक की। और एक चीज़ और दिखाऊँ, मैंने पहली बार देख रहा है, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। जब पंचर हमारा लगता है बाइक के अंदर तो कुछ ऐसा सा दिखने के लिए आपके अंदर से ऐसा दिखता है, कुछ बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, जैसे किसी ने कुछ अपना घर सा बना रखा हो। तो भाई देखो ये रिपोर्ट अभी तक। तो गाइज बाइक अपनी एकदम रेडी है, ये हमारे भैया हैं। तो भैया एक बार अपना शॉप का एड्रेस बताओ, अगर किसी ने आना हो तो कैसे आ जाएगा? पुनीत ऑटोमोबाइल, शॉप नंबर B9, मैन सदरपुर छलेरा रोड, नियर बालाजी रेस्टोरेंट। मैं बाकी आपकी लोकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन भैया ने भी आना होगा तो टायर्स और बाइक के सारे पार्ट एसेसरीज अवेलेबल होते हैं, अगर नहीं होते तो अरेंज कर देंगे। तो काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने काम करा बाइक के अंदर, तो बाकी एक बार मैं रास्ते में चल के आपको परफॉर्म करके दिखाया था कि बाइक कैसे परफॉर्म कर रही है। जैसा कि आपने देखा था बाइक के अंदर टायर अपने लग चुके हैं, एकदम खतरनाक झाड़ तरीके से एकदम बाइक चल रही है इस टाइम पे। और जी दूसरी चीज़ ये था कि टायर तो मैंने कल चेंज कराए थे, बट मैं एक बार चला के चेक कर रहा था कि कोई दिक्कत तो नहीं है, बट प्रॉब्लम साथ में ये आ रही थी एक्चुअली बाइक में बबलिंग आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। मैं साथ में इसकी लाइट्स ऑन कर दूँ, देखने में बढ़िया लगे। हाँ जी ये बात थी ना, तो साथ में बाइक में बबलिंग आ रही थी, तो इसकी वजह से मैंने अभी आगे का फिर वीडियो एंड नहीं करा था। मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। तो बबलिंग सॉर्ट आउट करने के लिए मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी जगह घूमा मैं, बट मैंने एंड में क्या करा, दोनों टायर्स की हवा निकाल दी, फ्रंट की और बैक की हवा निकाल के आधा किलोमीटर तक बाइक ऐसी चलाई बिना हवा के, देन हवा मैंने इसमें फिल करी, एकदम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अब शायद हो सकता है कि टायर की कोई लाइन लूंग की प्रॉब्लम आ गई हो। तो अब हम जा रहे हैं सुबह राइड पर, तो राइड हमारी एकदम मतलब मस्त तरीके से जाने वाली है, कोशिश करेंगे कि आपको सारा कुछ कवर अप करके दिखाएं। तो यही था वीडियो के अंदर, तो आपने देख लिया टायर कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं, क्योंकि रात के वैसे ही 12:30-11 बजे पड़े। फ्रंट टायर मेरा पड़ा था 1800 रुपये का, और रियर टायर पड़ा था मेरा 3200 रुपये का, सॉरी 3300 रुपीज़ का बैक टायर पड़ा था। तो मैं इसको बताना भूल गया था, ये दो मतलब इतने का मुझे टायर्स पड़े। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, सुबह आपसे मिलेंगे जल्दी बाइक पे, सुबह 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 निकलना है बस, अब जाके इसको तैयार करना है, अपनी एसेसरीज तैयार करनी जाने के लिए, अभी तक बैग भी पैक नहीं रखा, बैग भी पैक करेंगे और सुबह बाइक पे मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।